आज हम बात करेंगे घर पर गमले या ग्रो बैग में ऑर्गेनिक तरीके से पालक कैसे उगाया जा सकता है। दोस्तों, पालक या हरी सब्जियां हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। पालक में बहुत से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस ग्रीन कैफ़े में। आज हम बात करेंगे कि पालक कैसे उगाया जा सकता है, और मैं आपको तरीका दिखाऊंगी उगा के। बहुत ही आसान तरीका होता है घर में गमले में पालक को उगाना। तो चलिए देखते हैं कि पालक कैसे उगा सकते हैं। तो हम उसमें कुछ खाद लेंगे जो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, तो ये वर्मी कंपोस्ट है। और इसमें हम सरसों की खली लेंगे। सरसों की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए हम सरसों की खली यूज़ करते हैं। ये पौधे को ग्रो करने में और हरा भरा बनाए रखने के लिए बहुत ही इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आप ये डालेंगे तो। और इसमें हम कुछ मात्रा में नीम की खली लेंगे। दोस्तों, नीम की खली एक फंगिसाइड का काम करती है, जो एक अच्छा फंगिसाइड है। पौधे में फंगस मिट्टी में मतलब फंगस ग्रो नहीं करेगा, आपके पौधे अच्छे हेल्दी रहेंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तीनों खाद को इसे आप अच्छे से मिला लीजिए और इसे बराबर बराबर मात्रा में तीनों गमले में डाल देंगे। गमले की मिट्टी में दोस्तों 50% मिट्टी है, 40% है गोबर की खाद और 10% इसमें रेत है। ये खाद डालने के बाद हम इसे मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें बीज डालेंगे। तो बीज डालने से पहले हम गमले की मिट्टी हल्की से हटा लेंगे यहाँ से, ताकि उस मिट्टी को बीज डालने के बाद ऊपर से हम ढक सकें बीजों को। इसमें हम बीज डालेंगे, बहुत ज़्यादा बीज नहीं डालना है। अब मिट्टी ऊपर से डाल देंगे। ऐसे दूसरे गमले में भी करना है। हम बारी बारी से तीनों गमले में बीज डालेंगे। तो मिट्टी हटा लेना है इसमें से भी। और मिट्टी से ढक देंगे इसे। अब ये बीज लग गए, अब हम इसमें पानी डालेंगे। हम इसमें पानी अच्छे से डाल लेते हैं और हम देखेंगे 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट। ये 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है, जर्मिनेट हो गया है हमारा जो बीज डाले थे पालक का। और ये 14 दिन बाद का रिज़ल्ट, ये 2 हफ्ते के बाद का रिज़ल्ट है, जिसमें हमारे पौधे अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा अच्छे से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। आप 20 से 22 दिन में आप पालक हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।